दर्शक बंधु नमस्कार। वर्तमान गजपति जिलार जीवनधारा कहुतबा महेंद्र तनिया नदी वर्तमान सुखिला पड़ी आ सबुठ बड़ विषय है अलिया अवर्जन पूर्ण होई महेंद्र तनिया नदी। गजपति जिला पारलखिमडी पौर परिषद सबु नालो नर्दमा रो पानी आसी पड़ुची महेंद्र तनिया नदी रे। जो महेंद्र तनिया नदी आपण मैंने देखिपारुछंती या वर्तमान एक नदी रो परिस्थिति रे नाही, गुटे बड़ नालो नर्दमा जोड़ी की संपूर्ण भाव अवर्जन पूर्ण अच्छी। जो पानी रुकी जो पानी की आमे समस्ते घरे घरे पी था, किंतु आपण मैंने देखिपे वर्तमान ये पानी नाई। द्वितीय विषय है जदि भी पानी थांता ताले संपूर्ण भाव दूषित अवस्था थाए। वर्तमान आमे मार्च मासर द्वितीय सप्ताह आसी पहुँचीचु। मार्च मासर द्वितीय सप्ताह जदि पानी संपूर्ण भाव महेंद्र तनिया नदी में जदि सुखिला पड़ी सुखी जाइए ताले आगामी तीन मास किभली परिस्थिति रहिबो आमे निकटरे देखिलु। गजपति जिलार विभिन्न ब्लॉक रे पानी समस्या, पानीय जलर समस्या, पीवा पानीर समस्या। गजपति जिला रायगढ़ ब्लॉक सदर महकुमा रायगढ़ ब्लॉक रे महिला मैंने हांडी धरिकी खाली हांडी धरिकी राज रास्तार प्रतिवाद करिवार दृश्य मध्ये देखिलु। एवं विभिन्न ब्लॉक रो अभियोग आसुची गजपति जिला गुमा ब्लॉक आश्रयगढ़ ग्राम रे मध्ये पानी पीवा पानीर समस्या आसुची। तार बड़ विषय है जो महेंद्र तनिया नदी जहाँकि गजपति जिलार जीवनधारा आज वर्तमान सुखिला पड़ी। कौन करुला प्रशासन, कौन करनप्रतिनिधि मैंने, कौन कर जिलावासी, कारण आम देखुजे विभिन्न प्रकार स्लोगान देखी सेव महानदी सेव अन्य प्रकार नदी, किंतु गजपति जिलावासी कहीं महेंद्र तनिया नदी प्रति आज पर्यंत दृष्टिपात करना जनप्रतिनिधि मैंने कहीं प्रश्न पचारि एवं संपृक्त विभाग अधिकारी मैंने कहीं तत्परता प्रकाश करना, कारण संभव रही आगामी दिन मानक जल कष्ट संभावना रही अच्छी, जलर समस्या देखा बाकी रही अच्छी। वर्तमान आम सहित अच्छा पारलाखिमडी जड़े बासिंदा आस अच्छा प्रतिक्रिया नवा देखूँ। आज्ञा मार्च मस महेंद्र तनिया नदी जहाँकि गजपति जिलार जीवनधारा कहू आज वर्तमान महेंद्र तनिया नदी अवस्था यह जे सुखिला पड़ी अवर्जन पूर्ण पूरा सहर अलियागदा आसिक ये पड़ुची। लोकंर मानसिकता मत पर आवश्यकता रही समस्ते यही दिगरे जा सब घर अलिया आठ पकाऊँ। तो यह बाबद कौन कहना चाहूँ जदि मार्च मसखीगला ताले की भली भाव लोक पानी पाइबे। वर्तमान पानी रो समस्या पुणी देखा गलानी विभिन्न ब्लॉक रे विभिन्न ग्राम रे लोक टैप रे पानी पाई पारु नांती। तो वर्तमान आपण एही विषय को कोन केमि देखुछंदी मु कहया गले कथा कोन माने एबे मार्च मास सुधा रे जदि पानी नदी रे किछि नाही ता बादे 3 मास पोरे जो समर वेकेशन आसीबो पारालेखिनी बासिंदा पई पानी रो अभाव निश्चय रहइबो। ता सहित जो पॉल्यूशन करिछंदी ए पल्यूशन जो डायरिया कलरिया हबार बहुत गुड़ा चान्स अच्छे। कौन करुछंदी अधिकारी मैंने, कौन कर पौर परिषद विभाग, कौन कर विधायक, कौन कर जनप्रतिनिधि, कौन कर विभिन्न प्रकार एसोसिएशन, कौन कर जनता कौन कर, कारण गोटे मानसिकता रही गोटे स्वर उत्तोलन करार आवश्यकता अच्छी। आम देखु विभिन्न जिले में सेव महानदी महानदी आम बड़ महानदी आम परिचय कहीकि विभिन्न स्तर में प्रतिवाद करु आम देखु यही महेंद्र तनिया नदी आंध्रा सहित जड़ित अच्छी। आंध्रा बैरेज करी निज चाषी मानक पानी दौर ओडिशा सरकार कहीं से व्यवस्था करना ओडिशा सरकार कहीं से प्रति दृष्टि देना। वर्तमान जदि आम देखा चाषी मानक जो समस्या रही आउ जो चाष करूँ विशेषकर पनीपरिया चाषा संपूर्ण भाव में पड़गलानी नष्ट हो गलानी कारण जलर संकट सकाशु अभाव सकाशु आप सीधा 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 सड़क भाव में देखिले जड़े भाई बैक गले अलिया गदाटे किभली भाव में पकईले जी मानसिकतार चिंता। किंतु मु पुनर्थरे पुणीबार आपनको पुणीथरे गुटे जनसाधारण भाव में पचारुची ए जो गोटे कैंपेन रो आवश्यकता अच्छी कि सेव महेंद्र तनिया नदी कोई कि बा क्लीन महेंद्र तनिया, कारण देखंतु अहमदाबाद रे गुटे स्टेज प्रोग्राम रे नरेंद्र मोदी ए कथा कहउछन्ति जे अहमदाबाद रो लोक माने वेस्ट को केमिति बेस्ट करिवे ए विषय रे भलो भाबरे जानंति। ताले गजपति जिल्ला रे जो जहाँ कि बेस्ट नदी जहाँ कि स्वच्छ पानी बा ठीक पानी भलो पानी जो
पानी रे कि पूरा जिलावासी आधार करंती आज से बेस्ट वाटर गुटे वेस्ट वाटर रे परिणत होला एई दिगरे आपण गुटे जनसाधारण भाबरे किभली भाबरे देखुचंती एवं कोन रो कैंपेनिंग रो आवश्यकता अछि कि सब विभाग सब व्यक्ति रो दृष्टि आवश्यकता अछि कि कारण जदी गुटे नेचुरल सोर्सेस वाटर जहाँ को आमे कहूँ नदी जदि नदी सुखिला पड़ा जोठार कि आम यू ही आम विभिन्न जगह को लेकिन पानी नहीं कि स्टोरेज कर लोकों पाखे पा दौ बर्तमान जदि यही अवस्था अच्छी तेल बर्तमान आम कौन कर पड़ो आपड़ गोटे जनसाधारण भाव में किभली कैंपेन रवश्यकता अच्छी भावुंत जोद्वर कि सरकार सचेतन हो पारे कैंपेन तो निश्चय आवश्यक अच्छे कथा कौन मैंने आपकी कहले ये नदीटा आंध्रा रे यूज करते ओडापी ये इंपोर्टेन्स अच्छी आउपर बेस कर पालाखिंडी जिते निर्भरशीलता है जहाँ एपटे एम एल ए हो जो मैंने एग्रिकलचर बेस संबंधियों जो अफिसर्स आसे समस्ते यहाँ को लेकिन गठन कर बसिक यहाँ को कमी इम्प्रुवमेंट कराव पा केमी स्टोरेज हम ताद्वारा लोक को कमी सुविधा हे ये सब नहीं अवेयरनेस आणवाहती दरकार जहाँकि तुम थ्रु अवेयरनेस स्टूडेंट एसोसिएशन तरफ तुम ये सब करदेश निश्चित भाव में देखो सरकार राज्य सरकार मालमाल योजना अच्छी दर्शक बंधु ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना अच्छी वसुध योजना अच्छी जदि पा नदी में ना तो किभली भाव में टांकी पा स्टोर कर किभली भाव में टैप पा दिजाव यही नदी को ही आंध्रा सरकार आधार करी आपण मैंने देख आपण मैंने देखुले जे आंध्रा सरकार चाषी मान बारेज तैयार करी वाटर स्टोरेज पर एक व्यवस्था जल संरक्षण करने व्यवस्था करंध्र प्रदेश चाषी मैंने समृद्धि हो पार्टी से मैंने सचेतन अच्छा समृद्धि हो पार्टी स्वर उत्तोलन करतमान यदी को आधार करतेशार जो चाषी कूल अच्छा से मानकर व्यवस्था से मानकर अवस्था अति विपद श्रृंखल अवस्था अच्छी ना से मानकर आर्थिक स्थिति ठीक अच्छी कारण प्रत वर्ष जल संकट देखा मिलूँ सब बड़ विषय है जो बर्षार प्रत्येक वर्ष कम आवश्यकता अच्छी तो निश्चिंत भाव में प्रशासन एक दृष्टिपात कर आवश्यकता अच्छी आमर यठार विभिन्न प्रकार स्कीम्स अच्छी विभिन्न प्रकार विभाग अच्छी डिपार्टमेंट अच्छी लिफ्ट इरीगेशन माइनर इरीगेशन मेजर इरीगेशन उठा जल सेचन विभाग अच्छी सब विभाग गुड़ाक कौन करवल कलम कागज सीमित अच्छा ना प्रकृत लोक सेवा करने लोक सुविधा जोगे लोक पाखे एक उत्तरदायी हेपी कार्य करूँ कारण जदि आप देखिए महेन्द्र तनिया नदी स्थित बर्तमान देखिए प्रत्येक गजपतिवासी को दुख लगे जदि यह प्रकार प्रदूषित अवस्था जब महेन्द्र तनिया नदी अच्छी आपण मैंने सीधा सड़क भाव देखुए यही पा आम को पीवा को पड़ुचे जो टैप्रे जो पा आसूद फिल्टर होदिवा फिल्टरेसन सरकार करु प्रकृत यही पा ही आम पी पार्छ से दर्शक बंधु ये पुणी थे कथ कहवाई चाहूँ जे सरकार कारण प्रशासन गजपति जिला प्रशासन एवं पौर परिषद विभाग ये प्रति तत्परता देखार आवश्यकता अच्छी नचे गजपति जिलार सबू पंचायत सबू ब्लक कौटी ना कौटी महेन्द्र तनिया नदी उपरे आधारित अच्छा कारण गजपति जिलार जीवन गजपति जिलार जीवन जीवनधारा हूँ महेन्द्र तनिया नदी आउ महेन्द्र तनिया नदी बर्तमान सुखिला पड़ी प्रदूषित अवस्था अच्छी अलिया आवर्जना संपूर्ण भाव में पूर्ण अवस्था अच्छी आवच्छ करने यार एक योजना करने निश्चिंत भाव में सरकार आगे आसवर पड़ो जिला प्रशासन प्रश्न पचार पड़ देखु मुझे सूर्यनारायण पट्टनायक सभापति गजपति जिला कृषक संघ वर्तमान जो आप देखुं परिस्थिति महेन्द्र तनयार जे दीर्घ अक्टोबर मसठ वर्षा अभाव अच्छी आकाशर मेघ उभान हो जाए आ चाष समय खरीफ ऋतु में चाषी को धान अमल करने जी आवश्यक पा दरकार चलित बर्ष से वर्षा होना जोद्वारा पा कमी द्वारा धान चाष प्रभावित होता परवर्त समय वर्षा अभाव नदी में महेन्द्र तनयार जलस्तर कमी कमी आसला जेहेतु अक्टोबर मसठ आज पर्यंत अद्यावधि वर्षा ना जो महेन्द्र तनयार संपूर्ण जलस्तर कमी कमी आसला तेणु महेन्द्र तनया उपर आपेड कर गजपति जिलार दुईट ब्लक उपखंड अंचल प्रभावित हो जो द्वारा चाष काम तो संपूर्ण भाव बाधाप्राप्त हो ता सहित आगामी दिन जदि यहीपरी परिस्थिति लागू रहे बर्तमान तो मार्च मास द्वितीय सप्ताह होनी बर्तमान जल कष्ट आरंभ होलानी जदि यहीपरी परिस्थिति आगामी दिन चालू रहे तो पीवा पा गजपति जिलावासी एवं पालाखिंड उपखंड अंचल अधिवासी बहु परिमाण प्रभावित होशा करुँ देखो विशेषकर जो महेन्द्र
ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଅବର୍ଜନା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଗଦା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଶାସନ କିଏ ବା ଅଧିକାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଚେତନର ଅଭାବ ଅଛି ମୁଖ୍ୟତଃ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା। ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ କରିବା କଥା। ତା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ରହୁଛି ତାକୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନ ପକାଇବା, ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା, ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ, ପାନୀୟ ଜଳକୁ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା କଥା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ କରିବା କଥା। ସରକାର ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଇକିଂ କରି କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ଏହା ଉପରେ ଜନସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ସେଗୁଡ଼ା ଖରାପ ନ ହେବ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ଲିନ୍ ଗଙ୍ଗା କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟା କଲେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ନମ ଗଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନମ ଗଙ୍ଗେ କୁହନ୍ତୁ, ଯମୁନା କୁହନ୍ତୁ, ସରସ୍ୱତୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତରକୁ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ନଦୀ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ସେହିପରି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବା ଯେ ମହାନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଜୀବନର ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଜୀବନରେଖା ବୋଲି ଗୋଟେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇକି ସେମାନେ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନଦୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଅବବାହିକାରେ ବହିଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହେନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ନଦୀକୁ ଆଧାର କରିକି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ନିଜ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳର ସୁବିଧା କରିଛି, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗଜପତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପଦକ୍ଷେପ କରିବାରେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ଏବଂ ପଛୁଆ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ କହୁଥିବା ଦୁଇଟି ନଦୀ, ବଂଶଧାରା ହେଉ କି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମହେନ୍ଦ୍ର ତନା ହେଉ, ଏଇ ଦୁଇଟି ନଦୀ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟଚ୍ କରିକି ଯାଉଛି, ତା'ର ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ପରିମାଣର ଜଳ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନି। ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଳକୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଉପକାର ଲାଗିବା କଥା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚାପରାଠାରେ ଅପସର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଂଶଧାରାରେ କାଟ୍ରାଗଡ଼ା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଆଡ଼ି ବାନ୍ଧିକରି ତାଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମନୋଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡମ୍ବାପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ମୁଁ କହିବି, 2008 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଶୁଭ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ 2024 ଆସିଗଲାଣି, ଦୀର୍ଘ 15 କାଳ ଅତିବାହିତ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନି, ଏହା ଅତି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସହାୟତା ଦେବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇପାରିଲେ ଯାଇକରି କୃଷି କୃଷକର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ପୂର୍ବରୁ 1200 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 3000 ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ନଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହେନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପାରଳାଖଣ୍ଡ ଉପଖଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାପିତ, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ 1960 ଯେତେବେଳେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏଠି କାମ କଲା, ସେହି ସମୟରେ ପାରଳାଖଣ୍ଡ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ଟେପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହର ନଲ୍ ଘର ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ପରେ ସବୁ ଘରକୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 12000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆସରିଲାଣି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାଣି ସେତିକି ହିଁ ଆମର ଅବବାହିକାରେ ରହିଛି, 3000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ତା'ର 4 ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତା ପାଇଁ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିମ୍ବା ତା'ର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ନ କରୁଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସେ କହିପାରିବା କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଏବଂ ଦାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ତଦାଖରେ ଜିନିଷ ହେବା କଥା। ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର କିପରି ପାଣି ପାଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ କିପରି ପାଣି ପାଇବେ, ସେ ତା'ର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା କଥା, ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅହରହ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା କିମ୍ବା ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କିମ୍ବା ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେହି ଜିନିଷରୁ ଓହରି ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆଗକୁ ରହିଛି
बहुत ताति रही पानी रो समस्या देखा मिल तो आप कौन कहने चाहूँ कौन पदक्षेप वर्तमान प्रशासन जदि ने विभाग अधिकारी मैंने ने जोद्वारा कि पानी पीवा पानी सुविधा आम वंचित नही रही पार देखु जदि वर्तमान परिप्रेक्षी देखिए वर्तमान जो अनुमान करे आगामी दिन पापाग विशेषज्ञ मैंने जहाँ कहवा अनुसार बर्तमान तो पारालाखेमुंड में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रु अधिक तापम्रा आगामी दिन में ता बढ़वार संभावना अच्छे यही परिप्रेक्षी में अवबाहिकार जो पा आसूचे महेन्द्र तनिया बाट बाटर आंध्र सरकार आड़ी बांधि बंद कर दौरान से आड़गुड़ी को बाहर करवा दरकार अच्छी प्रवाहित को स्वाभाविक करार अच्छी जो जल जे प्रकार प्रभावित होता से प्रकार प्रभावित करने को अधिक रु अधिक बोर खोलार अच्छी और जनसाधारण 12,000 लोक केमी पा जगे प्रशासन और राज्य सरकार प्रचेषा करवा दरकार अच्छे विकल्प माध्यम राज्य सरकार नहीं कि जो द्वारा कि गजपतिवासी पापारे कारण बर्तमान सुखिला पड़ी महेन्द्र तनिया नदी और सुखार मुख्य उद्देश्य कौन किसी व्टर डायभरसन हो जलस्तर कमी जा मुख्य कारण है बर्तमान जो आपण मैंने जदि कहे पारालाखेमुंड उपखंड कथा चिंता करूँ जो तीन तीन बंध बर्तमान सुखिला अवस्था अच्छी जदि जलस्तर भूमि कमी पास्तर कमार संभावना रही जलस्तर को जिते पर्यटन बढ़ा जाए से अनुसार देखा गले अनुपात जलस्तर कमी जा नदी में ताद्वारा पा कमी कमी आसू चेष्टा करवा दरकार राज्य सरकार जो जलस्तर बढ़े जल क्षमता बढ़ मो सहित भाई अच्छा आसतु तक प्रतिक्रिया ना देखु वर्तमान मार्च मसने महेन्द्र तनिया नदी संपूर्ण भाव में सुखला पड़ी एटा नदी ना नाल नाल नर्दमा अवर्जन पूर्ण महेन्द्र नदी महेन्द्र तनिया नदी आप जन जनसाधारण भाव में कौन कहवाई चाहूँ गोटे कहवाई चाहिए बुझे कि गोटे कहवाई चाहिए यहाँ सरकार दायी नुह जनसाधारण दायी कहीं जो अलिया अवर्जना फिंगि दे अखा अखा आण की सरकार कौन कर सरकार के जगे कहत नवीन पटनायक जी करापी जो सुखीगला सरकार दायी है आंध्र सरकार देखूँ जो महेन्द्र तनिया नदी जो पा रुहे आंध्र सरकार ब्यारेज करी चाषी मानी पा स्टोरेज करे वर्तमान जो पानी रो सुविधा लोक मिलवा कथा वर्तमान पानी ताहापार ना ना मुझे कथा महेन्द्र तनिया नदी वर्तमान सुखिला पड़ी आग को रही एप्रिल मे जून मार्च रु आरंभ कर जून पर्यंत तीन मास टोटली जनसाधारण जो महेन्द्र तनिया नदी पर आधारित थिले वर्तमान केमिति रही परिस्थिति आगो को केमिति रहइबो परिस्थिति वर्तमान गाय गोरु को पीवा मनुष्य को तो छाड़ू मनुष्य जमी चलो किंतु जंतु गाई गोरु मईसी फईसी से तो मुँह ना ना खुलवाई पा मागेपी से तो पी पारे ना आओ जो महेन्द्र तनिया आज जाए रजा कैरियर जो पा बही चलता आज बंद होगा से किए दायी ताप तो कही पारे कि सरकार विफल पानी सरकार विफल यो देखु कारण जनप्रतिनिधि अच्छा स्वर उत्तोलन करा कथा विभाग अधिकारी मानक प्रश्न पचार कथा आम एठार देखु लिफ्ट नवीन पट्टनायक मदुआ मदुआ एरिया मद बुले कि जमी केसीआर गला बर्तमान कंग्रेस आसला जमी केसीआर जमी मारा बर्तमान नवीन पट्टनायक मदुआ एरिया रेप केस है मिश्र कैप्टेन मिश्र कौन करदे प्रताप जेना डबल मर्डर केस रे कौन करदेला नवीन पट्टनायक किसी ना किसी ना नवीन पट्टनायक खाली देखाणिया मो देखाणी महाराजा एक महाराजा श्रीकृष्णचंद्र गजपति महाराजा आम समस्त महेन्द्र तनिया नदी व्यवस्था करते आज ता एक मृत्यु मुखर आसी पहुँची यह देखने प्रत्येक जनसाधारण हृदय भांगी जाऊँगी कारण जदि यही प्रकार अवस्था महेन्द्र तनिया नदी जोटा कि गोटे नाल पर देखा गोटे अवर्जन पूर्ण द्वितीय कथा है चाषी कूल पानी ना आम लोकों पर पानी ना पशु पानी ना कारण जो मैंने बीजेडी कैंडिडेट से पुलिस चाकरी कले भी से घर मुझे देखेबी आज पारालाखेमुंड गजपति स्टेट देखेबी घर जो मैंने बीजेडी कर्मी से घर पुलिस चाकरी करी भी हाँ जो मैंने गरीब से घर ना बोले कि जो मैंने भिकमका से किसी ना पानी वर्तमान आप कौन अनुरोध करने चाहते अनुरोध कर नवीन पट्टनायक जमी आम गजपति जिले में महाराजा दया था जमी पा चलता आम महेन्द्र तनिया सेम चलवा दिखाँ गोटे क्या पचार चाहिए देखो आप आगामी दिन में आम पर कौन मो पु मोर ए छा पुओ आम ही नक्सलाइट बाड़ की लास्ट को जहाँ करा कथ गोटे क्या पचार चाहिए देखो गजपति जिला को कौटिना कौट पात्र अंदर कर कारण से निश्चय आज्ञा गजपति जिले में जी तिरुपति पाणीगिरी थे बोले कि कांग्रेस लड़ते बर्तमान बीजेडी गाइले से कौन हो माने द्विपक्षी आई जाऊँ
एटा पर भरोसा नै देखंतु सेब महानदी कोई की गुटे प्रतिवाद चली थला काहे की सेब महेंद्र दनिया नदी कोई की प्रतिवाद न चालिवो आज्ञा छत्तीसगढ़ को जे पानी बिकि देला ओडिसा रो जो सरकार छत्तीसगढ़ को पानी बिकि देला ह ए नवीन पटनायक ना ह ओडिसा पे महाराजा को दान सेटा भी काट देला आ लाभ कोन कोन ए सरकार थिले कोन गल्ले कोन जल बिना मनुष्य बंची पारिबो के बंची पारिबो ने के निश्चित भाबरे दर्शक बंधु आपन माने सुनि पारु छले जल बिहुने जीवन नाही सबु किछि असार निश्चित भाबरे जदि प्रशासन कोनसी प्रकार दृष्टिपात न करे ताले जनसाधारण आहाकार जल रो आहाकार देखिबाकु बाकी रही छे गजबदिर आमोद कुमार वर्धन को रिपोर्ट ग्लोबल टीवी लाइव 24/7